नमस्कार, तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं रजिंदर कौर। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर अपने ट्वीट्स नूं लैके चर्चा च रहिंदे ने, पर इस वार उन्हां नूं इस आदत दा खमियाजा भुगतना पै सकदा है। दरअसल एडवोकेट परमप्रीत सिंह बाजवा ने सिद्धू वल्लों कीते गए ट्वीट दे खिलाफ अदालत विच मानहानि दी पटीशन दायर कर दित्ती है, जिसकी सुनवाई मंगलवार नूं यानी कि 16 नवंबर नूं होवेगी। खास तौर ते पटीशन उन्हां ट्वीट्स नूं लैके दायर कीती गई है जो सिद्धू ने अदालत दे इक जां दूजे मामले दी सुनवाई ते कीते ने। नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफ अपराधिक मामला भी दर्ज हो गया है। बाजवा ने कहा है कि ड्रग मामले च सिद्धू हाई कोर्ट नूं निर्देश दिंदे ने। उन्होंने ड्रग्स मामले दी सुनवाई तो पहला ट्वीट किया, सिस्टम दे खिलाफ जाके सिद्धू एक काम कर रहे ने। पटीशन च सिद्धू दे ट्वीट दे स्क्रीनशॉट भी दिते गए ने। पटीशन च सिद्धू नूं सजा देने की मांग की गई है। हरियाणा के एजी कल 11 बजे सुनवाई करनगे। नियमां तहत पहला एडवोकेट जनरल देखणगे कि शिकायत विच तत्थ है या नहीं। खास तौर ते इह पटीशन उन्हां ट्वीट्स नूं लैके दायर की गई है जो सिद्धू ने अदालत दे एक जां दूजे मामले दी सुनवाई ते कीते ने। ईडी वालों गिरफ्तार किए गए साबका एमएलए सुखपाल खहरा नूं चंडीगढ़ दे सैक्टर 19 दे विच रखा गया है, जिथे उन्हां वालों भुख हड़ताल शुरू कर दी गई है। जानकारी उन्हां दे बेटे महताब खहरा वालों दी गई है। अते नाल ही उन्हां ने कहा कि दोस्तों बड़े दुख दे नाल सारयां नूं दस रहे हां कि चंडीगढ़ पुलिस वालों उन्हां दे पिता दे नाल अनमनुखी वतीरा करन ते उन्हां दे पिता सुखपाल खहरा भुख हड़ताल ते बैठ गए ने। एक पुलिस अधिकारी वालों उन्हां नूं हत्थ च पाया कड़ा उतारा लई कहा गया, जिहड़ी कि साडी गुरुआं दी निशानी है, ते नाल ही कहा कि होने वाले किसी तरह के भी नुकसान लिए चंडीगढ़ पुलिस जिम्मेवार होगी। दूजे पासे सुखपाल खहरा दे बेटे महताब खहरा ने लोगों नूं संबोधन करदिया कहा कि मेरे दिल विच रोस है कि मेरे परिवार अज इत्थे बैठा है, पर सारयां नूं इकजुट करन वाले मेरे पिता अज इन्हां च मौजूद नहीं है। उन्हां नूं ईडी वालों गिरफ्तार किया गया है, पर यह समा घबराउण दा नहीं सगों डट के लड़ाई लड़न दा है। ते नाल ही उन्होंने कहा कि मेरे पिता बेकसूर हन ते उन्हां नूं जाण बुझ के केंद्र सरकार वालों फसाउण दी कोशिश की जा रही है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ 5000 ਵੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ। ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ $1,00,000 ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। जो ये कहना चाहते हैं मनी लॉन्डरिंग जो होती है वो ड्रग मनी तो आनी चाहिए है। जे कोई बंदा नशे बेच के या नशे पैसा कमांदा है वो पैसा जो है वो पीएमएलए के अंडर आता। फॉरेन फंडिंग सारी ड्रग मनी नहीं होती। सो इन्होंने अपने आप नू कंफ्यूज करके कोर्ट नू कंफ्यूज करके चलो जय धक्के नाल साडे ते अरेस्ट पाती। मेरा दिल दुखदा है, मेरे दिल ते बोझ है, रोस है, मैं तुहानू कई बार दस चुका। लेकिन जेड़े इन्हां दे जो इल्जाम ने साडे ते यकीन मनना सारे दे सारे झूठे ने। जिद्दे ने गल कोर्ट विच गई पहले कुछ घंटिआं विच इह साबित हो जाऊगा कि सुखपाल सिंह खहरा बेकसूर है और इन्हां नूं अपने पैर पिछे वापस खिंच के सरदार सुखपाल सिंह खहरा तों माफी मंगनी पऊगी। फॉरन फंडिंग की गल मेरे दिमाग चो निकल चली सी। वह कहंदे सीगे तुसीं $1,00,000 दी तुहाडी फॉरन फंडिंग है। फॉरन फंडिंग मेरे फादर नूं सुखपाल सिंह खहरा नूं आम आदमी पार्टी ने 2016 विच दिल्ली अमेरिका भेजा सी। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 2016 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਊ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊ। ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਕਜ ਕੋਈ ਪੰਕਜ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਰਾ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ
सौ फीसदी क्लीयर हो जाता है कि जो भी इल्जाम साढ़े ते लगे ने वह बेबुनियाद ने झूठे ने और बेईमानी ना लाए गए ने। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा से बड़े सवाल चुके ने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भाजपा आप के खोखले और असफल शासन का पर्दाफाश करती है। आज सवाल यह है कि पिछले एक साल तो आप भाजपा की सरकार की कर रही है। सच्चाई यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा से आप की बयानबाजी भरपूर पार्टी वालों खोखले इश्तहारा के लद्दी और जनता को गुमराह करने वाली राजनीति का पर्दाफाश कर दिता है। दिल्ली प्रदूषण पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भाजपा और आपकी खोखली और विफल शासनकाल का पर्दाफाश करता है। आज प्रश्न ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों मजबूर हो रहा है ये करने में, प्रश्न ये है कि आप और भाजपा की सरकार पिछले एक साल से क्या कर रही थी। सत्य तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और आम आदमी पार्टी की जुमलों से भरी खोखले इश्तहारबाजी से लदी और जनता को गुमराह करने वाली राजनीति का पर्दाफाश कर दिया है। आप और भाजपा को श्वेत पेपर जारी करना चाहिए कि उन्होंने सिवाय आज इश्तहारबाजी के, आरोपबाजी के, ये जो काला प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए क्या किया गया। दिल्ली वासियों के आज जो फेफड़े हैं वो भाजपा और आपकी फेंकू राजनीति की एक बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। आप और भाजपा केवल तारीख पे तारीख की राजनीति करते हैं जब पोल्यूशन का मसला आता है, और हर साल जो दिल्ली वासियों की स्वास्थ्य के साथ खेल रचा जाता है उससे कोई सीख नहीं लेते। उधर ही दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट विच एक हलफनामा दायर करके कहा है कि स्थानक प्रदूषण कंट्रोल करने लिए पूर्ण लॉकडाउन वर्गे कदम चुकने लिए बिल्कुल तैयार ने, जिस नाल राष्ट्रीय राजधानी विच हवा प्रदूषण घट करने विच मदद मिलेगी। हालांकि दिल्ली सरकार का मानना है कि इसका सीमित प्रभाव होगा। एफिडेविट विच कहा गया है कि सारिया उसारी और ढोण दी गतिविधियां 17 नवंबर तक तुरंत प्रभाव के नाल मुअत्तल रहणगियां। पराली साड़न, वाहन पटाकियां, उद्योग और धूड कारण पैदा हुए पद्धर नूं हेठा लिया आने लिए 2 दिन के तालाबंदी का ऐलान किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक बार फिर विरोधियों नूं निशाने ते लिया है। कंगना रनौत वालों दिते बयान ते राजा वड़िंग ने कहा है कि उसका तां दिमाग ही खाली है। इस तों बाद उन्हां पंजाब विच डीएपी दी चल रही कमी नूं लैके केंद्र सरकार नूं कसूरवार दस्या। उन्हां कहा कि केंद्र सरकार जाण बुझ के पंजाब दे किसानां नूं परेशान कर रही है ते डीएपी दी सप्लाई नहीं दे रही। इसे तरह उन्हां अकाली दल अते आम आदमी पार्टी ते तंज कसदे कहा कि उन्हां दे उम्मीदवार कांग्रेस विच शामिल हो रहे ने। सुखबीर बादल कदे फुटबाल खेड रहे ने अते कदे कूड़ा चुक रहे ने। उन्हां कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी अते नवजोत सिंह सिद्धू दी जोड़ी सूबे विच कमाल कर रही है। कंगना बारे पुछना चाहते हो, जिन्हों इतो खाली होवे बारे नहीं बोली रहा, इतो खाली है डीएपी। नरेंद्र सिंह मोदी पंजाब दे विच तां डीएपी दी कोई प्रोडक्शन नहीं ना, ना ही साडे हाथ विच है डीएपी। ये तो उल्टा किसानां नूं जाण के तंग परेशान किया जा रहा है ता जो इलेक्शन ईयर है किसान सोचूगा कि पंजाब सरकार नहीं डीएपी दे रही। ये जान बुझ के कुछ चाला चलिया जा रही केंद्र वालों कि डीएपी नहीं दी रहा। हर बार डीएपी केंद्र सरकार ही दिंदी है, जान बुझ के शॉर्टेज पैदा की। अकाली दल वालों उम्मीदवार दिखने ले जा रहे आम आदमी पार्टी कदम शुरू यार, ये दोवें डर रही पार्टियां। रोजाना आम आदमी पार्टी के बंदे टुट के साडे ला रहे, उधरों सरदार सुखबीर सिंह बादल फुटबाल खेड रहा तो कदे कूड़ा चक रहा है। सो इस गल तो समझ लो जिन्हां ने कदे कूड़े का कागज नहीं हाथ लाया ते हुण फुटबाल खेडना पै रहा है, हुण कागज ते कूड़ा चकना पै रहा है, हुण गोलगप्पे की रेहड़ी ते खड़ना पै रहा है। उन्हें आपके उम्मीदवार ऐलान नहीं है, उन्होंने डर लग रहा भी सारा कुछ भज भजाना जान। ये भी आम आदमी पार्टी का होया, तुसीं विधानसभा च लोग चल चल के साडे वल आई जांदे। पहला रूबी जी आए, फिर जग्गा जी आए, हजे कई ने होर आना है। एक ही नाम चल रहा पंजाब के अंदर, घर घर ये चली गल, चन्नी करदा मसले हल, सीएम चन्नी करदा मसले हल, काम खत्म है। राजा वड़िंग भी मसले हल कर रहा है, राजा वड़िंग का छोटा जा बंदा है आपके काम कर कर रहा है, पर चन्नी साहब दी ते नवजोत सिंह सिद्धू दी जोड़ी ये पंजाब दे अंदर कमाल कर दे। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ।
एडवोकेट परमप्रीत सिंह बाजवा ने सिद्धू वालों किए गए ट्वीट के खिलाफ अदालत में मानहानि की पटीशन की दायर, सिद्धू खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज। पुलिस वालों अणमनुखी वतीरा करने ते सुखपाल खैरा बैठे भुख हड़ताल ते बेटे महताब ने कहा कि किसी तरह का भी नुकसान होने ते चंडीगढ़ पुलिस होगी जिम्मेवार। कंगना रनौत वालों दिए गए बयान ते राजा वड़िंग ने कहा कि उसका दिमाग है खाली, नाल ही आम आदमी पार्टी अकालिया से भी कसे तंज।